मॉर्निंग और आज मैं प्री वेडिंग के लिए मेकअप के लिए आया हूँ। साथ में मेरे अर्पिता और हाय और प्रीति तो कम्प्लीटली मेकअप करेंगे। सो आज के हमारे साथ में है प्रीति जी, हेयर स्टाइलिस्ट, उनकी फ्रेंड है। साथ में हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। मेकअप हम फर्स्ट फाउंडेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उनके फेस के लिए वो स्टिल लॉडर का है। और हम स्टार्ट द बेस कम्प्लीट के लिए बेस का एक्चुअली मॉइस्चर वगैरह हमने लगा लिया। फाइनल बेस हम एक एंड में करते हैं, जिसे आपको हमेशा हमारी इस वीडियो में देखने को मिलता है। से यहाँ पे मैंने आई शेडो फर्स्ट जो कि लाइट शेड यूज़ किया है सुगर का, वो फुल आईबॉल्स पे कम्प्लीटली ब्लेंड कर ले रहे। यहाँ पे मैं जो मेकअप कर रहा हूँ ये ब्राइडल नहीं है, ये साइडल है, ठीक है। और इनको एक फैंसी आई मेकअप चाहिए, थोड़ा सा डिफ्यूज लाइनर वाला। डिफ्यूज लाइनर आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पे मैं डार्क ब्राउन पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो कि PSC का है, और ये काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, बहुत ही बेस्ट है। अगर किसी को काजल नहीं पसंद तो आप आईलाइनर की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हम डिफ्यूज लाइनर बनाना चाहते हैं तो देखिए जिस तरह से मैं फर्स्ट पेंसिल लगा ले रहा हूँ, सेकेंड ब्रश के जरिए उसे स्मच कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से जब आप करेंगे ना तो आँखें बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगी आपको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करना है, हमें पेंसिल अप्लाई करना है जहाँ पे हम लाइनर करते हैं, एग्जैक्ट लाइनर वाली जगह पे। वहाँ पे एक पेंसिल ब्रश ले लीजिए या फिर कोई भी स्मूथ सा एक ब्रश, आप उसे डिफ्यूज करते हुए जाइए। फिर हम आईबॉल्स पे आई शेडो अप्लाई कर लेंगे। एक फर्स्ट प्राइमर जो कि हमने स्टार्टिंग में ही लगाया था, सेकेंड उस पर हम हाईलाइटर यानी ग्लिटर टाइप का जो होता है वो हम लगाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइडल मेकअप नहीं कर रहा हूँ, सो हम सेटल ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेबलिन का है, और देन हमने फाउंडेशन लगाया था तो थोड़ा सा है उसे प्रॉपर कर लेंगे जहाँ कि हमारा पैच होता है। जब भी आई मेकअप हम करते हैं ना कहीं कुछ हमारे उंगलियों का फिंगर होता है या कुछ भी टेस्ट होता है, फाइनल एक टचअप कर ही लेना चाहिए, ठीक है।